तो अभी तो जो हुआ है वो तो जर्मनी में ही खुद मेरे लिए कल्चरल शॉक है. सो राइट इन फ्रंट ऑफ अस इज द फ्राउनस्किर्चे. हम निकल चुके हैं आज म्यूनिक में फिर से इस खूबसूरत पैसेज के थ्रू. इसमें हर जगह ऐसे छोटे छोटे मिरर्स लगे हुए हैं. क्या सही जगह है. सारे असली पत्ते पेड़ पत्ते हैं ना. चेक दैट थिंग आउट बिहाइंड मी. सही. तो अभी तो जो हुआ है वो तो जर्मनी में ही खुद मेरे लिए कल्चरल शॉक है. आखिर से म्यूनिक आकर हम यहाँ पे. आज संडे है बेसिकली तो सारी दुकानें जनरली संडे बंद होती हैं, बट ये कियोस्क वगैरह जहाँ पे बियर शेयर मिल जाए एंड ये सारी दुकानें ना खुली रहती हैं और रेस्टोरेंट्स भी खुली रहती है, बट यहाँ पे फॉर सम रीज़न सब कुछ बंद है. रेस्टोरेंट्स भी बंद है, बट थैंक गॉड ये जायंट व्हील के सामने, जिसको म्यूनिक का जायंट व्हील बोलते हैं, वहाँ पे हमें एक कियोस्क मिला और हमें फाइनली वहाँ से बियर मिल गई. और उसने हमें गारंटी दी है कि ये उसका खुद का ब्रूड बियर है. दिखाना दिस केलर बियर. एंड अपेरेंटली उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा है, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, ट्राई करते हैं. म्यूनचनर बियर से भी बेटर है. तो देखते हैं कैसा है. किंगफिशर समझ के पी ले. चलेगा. वाले बियर तो काफ़ी सही है. जनता क्या कहती है, तू तो एंगर बियर पी रही है जनता. अच्छी है, अच्छे काफ़ी अच्छे. शुभ्रा गुड जॉब. तेरी बियर दिखा. किंगफिशर से तो बेटर ही है. कौन सी, ये ना. ये तो है. ऑगस्टिनो से भी बेटर है. मेरी कोला. आशिता थोड़ा सा कोला पी रही है विद सम मिक्स्ड शिट इनसाइड. आफ्टर सम रिफ्रेशिंग बियर्स हम आ गए वापस म्यूनिक रेस्टोरेंट्स के पास. और वहाँ पे यहाँ सामने ही हमें दिखा ये आर्मी मेमोरियल, बायरिश आर्मी को डेडिकेटेड. और उसके बगल में ही ये थियाटिनर कैश, जो 1600 में बवारिया के राजा ने अपने बेटे के होने की खुशी में बनवाया था. ओडियन प्लाट्स में ये दोनों मोन्यूमेंट वही जगह है जहाँ पे हिटलर ने अपना फर्स्ट पुच अटेम्प्ट किया था, जहां 16 नाजीज और 4 पुलिसमैन मारे गए थे. ये 10 बिलियन जर्मन मार्क्स का नोट जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद छापा गया था. इमेजिन द इन्फ्लेशन. म्यूनिक में हर जगह सिटी सेंटर में, ओल्ड सिटी सेंटर में बेसिकली इधर उधर गलियों से घुस सकते हैं एंड यू विल कम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल पैसेज वेज. ऐसे लिटर्ड है हर जगह छोटे छोटे, उसमें आपको बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ें मिल जाएंगी. ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर. ओह लुक एट दैट वेल. वेल इट्स अ फाउंटेन बट लुक्स अमेजिंग. तो आप म्यूनिक को ऐसे ही बाय फुट एंजॉय करें एंड यू विल कम अक्रॉस दिस हिडन जेम्स. ये रहा म्यूनिक का सबसे फेमस ब्रूअरी ब्रॉयहाउस, व्हिच इज ब्रूअरी एट अ प्लेस हाउस व्हाटएवर फॉरगेट इट. इसी के बगल में हार्ड रॉक कैफे भी है, बट दिस इज बेटर. आई थिंक ये ब्रूअरी लुडविग द वन ने बनवाई थी, उसी ने जिसने अक्टूबर फेस्ट स्टार्ट किया था. इसके ऊपर का रूफ क्या ब्यूटीफुली पेंटेड है. वाह. ओह ये क्या है. दिस लुक्स लाइक समवन्स फ्लाइंग. क्यूट. जस्ट लव दिस. आपको भी अगर ये पसंद आया तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. इस बियर का तो मैं लिटरली फैन हो गया. ऑगस्टिना हेलस. मैं तो ये भर भर के पीने वाला हूँ. ये है म्यूनिक का ओल्डेस्ट पब. ये एक म्यूजियम भी है. आप नोटिस करेंगे इसमें भी वैसे ही पेंटेड ब्रिक्स हैं जैसे ये ऑथेंटिक दिखा करता था वॉर के पहले. नाउ दिस इज़ वेरी लोकल, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लोकल बियर्स ही मिलेंगी, आई थिंक 4-5 तरह की, बट द एस्थेटिक इज़ ब्यूटिफुल. चलते चलते हमें मिला ये 3D मॉडल ऑफ म्यूनिक. इसमें आप नोटिस करेंगे जो चर्च है वो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है एंड दिस इज़ इवन टुडे द लॉ
that you cannot build higher than the church. Now this is the Victualian marked. Victualian marked Latin se aata hai, which means groceries in English. तो यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था. ये काफ़ी पुराना मार्केट है, आई थिंक 1800s की शुरुआत से है. इसे 1920s में आई थिंक बड़ा भी किया गया, मतलब बढ़ाया भी गया ताकि ज़्यादा लोग आ सकें एंड ज़्यादा स्टॉल्स लग सकें इस मार्केट पे. तो काफ़ी पुराना है. यहाँ पे मीट, पेड़ पौधे, बियर्स वगैरह सब कुछ मिल रहा था. यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बियर गार्डन्स भी बनाए थे लोगों ने. यहाँ पे आप नोटिस करेंगे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे नेचुरली बहुत सारी ब्रूरीज पनप गई थी. बिकॉज पेड़ों की वजह से ज़मीन ठंडा रहता था और उसके नीचे वो बियर रखते थे. यहाँ पे जो आप पानी देख रहे हैं, पहले सिर्फ बियर ब्रू करने के लिए यूज़ किया जाता था, बट बाद में इसे ऐसे फाउंटेन्स में लगा दिया गया जिससे लोग डायरेक्टली पानी पी सकते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड आप इसे आराम से अपने बॉटल में भर लें और ठंडा ठंडा पानी इन्जॉय करें. बट मेक श्योर ऐसे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं जहाँ पे ये सिंपल बना हो, आप सिर्फ उसी से पानी पिए, वही सेफ है पानी पीने के लिए. ये डच चीज़ स्टोर मुझे एकदम हॉलैंड की याद दिला रहा है. हम जब भी एम्स्टरडम या हॉलैंड में कहीं भी जाते हैं, ऐसे चीज़ स्टोर्स के अंदर घुसते हैं. बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स एंड वैरायटीज़ ऑफ चीज़. वाह, मुँह में पानी आ रहा है. बेस्ट पार्ट इज़ आप ये सब टेस्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा बहुत ही वैरायटीज ऑफ चीज है, गार्लिक वगैरह, मेथी, वेरियस हर्ब्स, मसाले, क्यूमिन, ये लैवेंडर, पेस्टो. सो राइट इन फ्रंट ऑफ अस इज द फ्राउनस्किर्चे, व्हिच मींस वुमेन्स चर्च, और एक्चुअली इट एक्चुअली मेंट चर्च फॉर मेरी. बट प्रीवियसली इसको बुलाया जाता था फोल्क्सकिर्चे, जिसका मतलब है पीपल्स चर्च. इसका दो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. सो बैक देन जब 1400 में किंग ने डिसाइड किया कि म्यूनिक में एक चर्च होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सारे नोबल पीपल को कहा डोनेशन के लिए, उन्होंने मना कर दिया. फिर उन्होंने पोप से रिक्वेस्ट किया, तो पोप उस वक्त वैटिकन सिटी में सिस्टीन चैपल बनाने के लिए डेडिकेटेड थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं हो सकता है हेल्प करूँगा, बट राइट नाउ आई एम लाइक बिजी विद द सिस्टीन चैपल. सो वो लोग बहुत ज़्यादा जद्दोजहद के बाद एक दिन वो लोग राउंड टेबल पे बातें कर रहे थे एंड दे वर हैविंग अ मीटिंग एंड ऑल. 14th सेंचुरी में बिल्कुल तूफान आ गया, खिड़कियाँ खड़कने लगी एंड सारी मोमबत्तियाँ बुझ गई एंड वो लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे. एंड जब उन्होंने मोमबत्तियाँ जलाया तो सारे के सारे लोग जो है अपनी सीट से लिटरली उछल गए, क्योंकि उन सब के अलावा वहाँ पर एक और पर्सन था और सब चिल्लाने लगे कि तुम कौन हो. सो उन्होंने कहा कि प्लीज़ तुम लोग काम डाउन हो जाओ, मैं लुई हूँ. और लुई कौन था, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लुई ने टेबल पे एक बहुत ही बड़ा बैग रखा एंड बैग में थे पैसे, ढेर सारे पैसे, पूरा बैग फुल ऑफ पैसे. उन्होंने कहा कि तुम्हें इस चैपल के लिए जो भी पैसे की ज़रूरत है तुम इस पैसे से फुलफिल कर लो, बट
उसने सिर्फ एक कंडीशन रखा कि तुम्हें जितनी भी पैसों की कमी होगी तुम लाइक आई विल प्रोवाइड यू, बट सिर्फ मेरी एक शर्त है एंड द शर्त वॉज ये चर्च में बिल्कुल भी खिड़कियाँ नहीं होनी चाहिए। बट आप अगर इस चर्च को अंदर से देखोगे, मैं ये क्लिप यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ, आप अगर अच्छे से देखोगे तो आप देखोगे ये चर्च बाकी चर्च से कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है एंड अगर ऐसे आप खिड़कियाँ नहीं डालते तो वो बहुत ही ज़्यादा अंधकार हो जाता अंदर एंड आई एम नॉट श्योर लाइक बट उनको ये आइडियाज लाइक दे वर परप्लेक्स्ड बट उनको उस वक्त उतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी मिली थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है वी विल टेक केयर ऑफ दिस कंडीशन। इस चर्च को बनने में टोटल 20 ईयर्स लगे एंड 20 ईयर्स के बाद जब मेन आर्किटेक्ट अपना फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे थे तो उन्होंने सुना कि गेट के पास एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हद हुआ है एंड बहुत आवाज़ें आ रही हैं, लग रहा था कि कोई चल कर आ रहा है। जब वो मेन गेट के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा लुई जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे जब उनको कमी हो रही थी उन्होंने पैसे दिए थे वो आ रहे हैं चलकर एंड ही वाज लाइक वेरी हैप्पी कि उनका जो कंडीशन है वो पूरा हुआ है। चर्च में बिल्कुल भी खिड़कियाँ नहीं है। चर्च में 3 आइल हैं, एक मिडिल आइल एंड 2 साइड आइल। मिडिल आइल से आप चलते चलते लुई बिल्कुल शान में लाइक वेरी हैप्पी कि मेरी कंडीशंस मान ली गई है एंड चर्च में नहीं है। बट चर्च में अगर आप साइड आइल में चलोगे तो आप देखोगे कि खिड़कियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत खिड़कियाँ हैं, बहुत ही बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं। बट बैक देन जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, वेदर की वजह से चर्च में रोशनी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था, तो लुई को लग रहा था कि खिड़कियाँ नहीं हैं। वाज लाइक वेरी हैप्पी, वाज लाइक वॉकिंग अराउंड। तभी एक खिड़की से एक रोशनी आया एंड लुई के पैरों पे रोशनी लगा एंड रोशनी जैसे ही गिरा लुई के पैर जलने लगे, आग लग गया एंड लुई वाज लाइक बुझाया एंड वापस अंधकार वाली जगह पे, अंधेरे वाली जगह पर आया एंड ही कर्स्ड कि इन्होंने कहा कि मेरा एक कंडीशन था तुमने वो नहीं माना एंड ही वाज लाइक सो एंग्री कि उन्होंने बताते हैं क्या किया। अपना जो पैर है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर हवा में उठाया और बहुत ज़ोर से उसने किया और उस जगह पे वहाँ पर अभी भी निशान है, एक फुटप्रिंट है वहाँ पर चर्च के अंदर में जो कि दिखाता है कि यूसुफ लुई जो है एंड उसने श्राप दिया पूरे के पूरे म्यूनिक को कि म्यूनिक के उस वक्त जितने भी लोग हैं सभी जो है मरते दम तक सबका बैड लक चलेगा। So this Louis was none other than Lucifer. और उसके स्टैम्प करते ही पूरा चर्च डैमेज हो गया। आप देख सकते हो चर्च ऐसा डिज़ाइन हुआ था पिलर्स की वजह से, वो ह्यूज पिलर्स की वजह से। अगर आप बीच आइल में चलते हो तो साइड वाले जो भी विंडोज है वो बिल्कुल नहीं दिखेंगे एंड इसीलिए लुई धोखा खा गया एंड बाद में उसने श्राप दिया। तो ये सब के बाद पूरे म्यूनिक में ये बात फैल गई, लोग पूरे डर गए कि अब क्या होगा क्या होगा। एंड देन लोगों को आइडिया आया कि चलो जो सबसे होली इंसान है म्यूनिक का, जो कि आर्किटेक्ट था कोइंसिडेंटली इस चर्च का, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम आओ और तुम ये जो फुटप्रिंट है जो लुई बना के गया है उसके ऊपर तुम अपने पैर रख दो तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ शुभ शुभ हो जाए। बट हुआ क्या, उस मॉन्क ने अपना पैर तो उस पर रख दिया बट 7 दिन के बाद वो मिस्टीरियसली मर गया। अब लोगों में पूरा हाहाकार मच गया कि क्या होगा, इस चर्च को कैसे बनाया जाएगा। बट देन लोगों से पैसे कलेक्ट किए गए, लोगों ने खुद पैसे दिए और कहा कि अब चर्च बनाते हैं एंड फाइनली ये चर्च बन के खड़ा हो गया एंड हेंस इसका नाम फोक्सकिर्चे रखा गया विच मीन्स द पीपल्स चर्च। और अगर इस चर्च के अंदर आप देखेंगे तो आपको हर जगह एकदम पूरे ऊपर में छोटे छोटे स्टैचूज दिखेंगे नॉर्मल लोगों के, जो कि किसी भी चर्च में बहुत ही अनयूजुअल है देखने को एंड यू कैन फाइंड इट इन ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर विच लुक्स वेरी इनक्रेडिबल। और बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल स्टैचूज ऑफ द पीपल एवरीवेयर इसलिए इसको फोक्स चर्च नाम दिया गया एंड इस वजह से लोग मानते हैं कि इस चर्च का श्राप भी ख़त्म हो गया। बट अगेन ओवर सम इयर्स इस चर्च का नाम चेंज हो गया एंड इट वॉज केप्ट एज फ्राउन्सकिर्चे, जिसका मतलब है लेडीज चर्च, विच इज़ अ रेफरेंस टू मेरी मदर ऑफ जीसस।
तो घूम फिर के थक हार के हम आ गए हैं खाना खाने, तो खाते हैं जल्दी से कुछ कुछ खाना। और हम आए हैं काबुल रेस्टोरेंट, एक अफगानी रेस्टोरेंट है जिसके बारे में हमने बहुत सुना है। Just beautiful. तो हमें दिख गया तो हम चले गए। स्पॉट आता क्या? आप लोग आने से ये ऑर्डर करते हैं? नहीं नहीं, हम वेट कर रहे थे, तुम लोग आओगे तो हम ये ऑर्डर करेंगे। कुछ ज़्यादा ही कर दिए। So, noise? 19? Yeah. Thank you. ये रहे कबाब ही कबाब, सब टमाटर दिख रहे हैं। नहीं, लैम्ब है, चिकन है, एंड ये है लैम्ब का पूरा तगड़ी जो कि प्याज से ढक गया है। थोड़ा सा सैलेड, तो इस मीठे फालूदे और कुल्फी के साथ एंड करते हैं आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और अभी और भी घूमने फिरने के और खूब सारी मस्ती के व्लॉग्स आने वाले हैं। सो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और वो बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको नए व्लॉग्स और शॉर्ट्स के अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।